हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप। आप सबका फिर से स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए लॉगिन फॉर्म कैसे तैयार करें नेटबीन में, ये हम समझेंगे। तो नेटबीन में मैं एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूं और उस प्रोजेक्ट में हमको लॉगिन फॉर्म तैयार करना है और कैसे एक अच्छा अट्रैक्टिव और बढ़िया दिखने वाला लॉगिन फॉर्म कैसे हम लोग तैयार करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपके सामने दिखाई पड़ रहा हो एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म बनाया गया है, लेकिन हम इसको और अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं एक बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से बताऊँगा आपको। तो चलिए, हमने एक प्रोजेक्ट बना रखा है पहले से ही। देखिए, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है सेम नाम का, पहले भी हम लोग वीडियो में डिस्कस किए थे। अब इसमें मैं एक न्यू फॉर्म लूँगा। देखिए, मैं नया फॉर्म लेने जा रहा हूँ जिसमें स्विंग एक जो है फ्रेम लेंगे हम लोग, जे फ्रेम, ठीक है। और इसका नाम कुछ भी हम दे सकते हैं, यूजर लॉगिन करके हमने इसका नाम दे दिया, ठीक है। अब ये यूजर लॉगिन नाम दे दिया हमने, अब हमारे फ्रेम का नाम क्या होगा, यूजर लॉगिन होगा। अब इस फ्रेम को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, इसकी विड्थ को बढ़ा दिया हमने। और मैं आपको बहुत सिंपली बताता हूँ कैसे करना है, ये देख लीजिएगा आप। यहाँ पे देखिए, हमने एक फॉर्म फ्रेम ले लिया है। अब इस फ्रेम में हम क्या करेंगे, एक पैनल लेंगे, इस पैनल में ही हम बनाएंगे लॉगिन फॉर्म, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमने इस पैनल को बढ़ा लिया। और जब अपने पैनल लिया तो आप पैनल के साथ पहले कुछ डेकोरेशन कर लेते हैं, जो बहुत ज़रूरी है उसको हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे एक पैनल हमने ये ले लिया, बड़ा बड़ा पैनल हो गया ये, जितना बड़ा विंडो है उतना बड़ा हमने इसको पैनल को कर लिया। अब इस पैनल के अंदर एक पैनल हम और लेंगे। देखिए, यहाँ पर इस पैनल के अंदर हमने एक पैनल लिया, इसके अंदर हम लोग लॉगिन फॉर्म तैयार करेंगे। थोड़ा सा डेकोरेटिव आपको अगर लॉगिन लेना है तो आप ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस जो पहला वाला है इसका हम क्या करेंगे, बॉर्डर सेट करेंगे। बॉर्डर सेट करने के लिए क्या करना है, इस पैनल को सिलेक्ट कर लिया हमने और इस पैनल पे प्रॉपर्टी में हम चले जाएंगे। और देखिए, यहाँ पे बॉर्डर करके होता है ऑप्शन, इस बॉर्डर में जाएंगे और इसमें हम मैटे बॉर्डर ले लेंगे, ठीक है। इसका जो कलर आपको पसंद हो वो कलर ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो वो कलर आप ले लीजिए यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो आपने एक बॉर्डर ले लिया, और अगर इस बॉर्डर को आइकन देना चाहते हैं तो आइकन भी दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। ये क्लोज कर दीजिए। देखिए, अब इसका बॉर्डर आ गया। अब इसका एक इंटरनल जो पैनल हमने लिया था इसका भी बॉर्डर देंगे हम, फिर इसमें प्रॉपर्टी में आप चले जाइए। लेकिन इसका जो बॉर्डर हम लेंगे वो बॉर्डर क्या होगा, डिफरेंट टाइप का होगा, टाइटल्ड बॉर्डर होगा, ठीक है। टाइटल्ड बॉर्डर में हम लिखेंगे यहाँ पर लॉग इन फॉर्म, ऐसे हम लिख देंगे लॉग इन फॉर्म। और यहाँ पे जो हमारा बॉर्डर होगा वो बॉर्डर ये नहीं होगा, हमारा बॉर्डर जो है ये टाइटल्ड वाला ही होगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हमने लिख दिया लॉग इन फॉर्म ले लिया। अब इसका जो पोजीशन दे दीजिएगा, जो दिखेगा या हमारा लॉग इन फॉर्म जो लिखा हुआ आएगा वो कहाँ दिएगा, टॉप पर आएगा, ठीक है। और इसका जो जस्टिफिकेशन होगा वो लेफ्ट होगा। चलिए एक बार मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं हम लोग, तो आपको थोड़ा डिफरेंटली दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। एक बार आपको इसको रन करा के दिखाता हूँ कि कैसा दिखेगा। देखिए, कुछ आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई पड़ेगा, नॉर्मल जो लॉगिन फॉर्म आता है उससे थोड़ा अलग होगा। देखिए, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो जो लॉगिन फॉर्म लिखा हुआ है, देखिए बिल्कुल वो बॉर्डर पर लिखा हुआ है, चाहें तो इसकी साइज़ को आप बढ़ा भी सकते हैं। देखिए कैसे बढ़ाएंगे, फिर से आप इसकी प्रॉपर्टी में चले जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पर बॉर्डर में ही आप चले जाइएगा, यहाँ पर बॉर्डर में। और इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट चूज कर लीजिएगा, फॉन्ट की साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं चाहे तो अपने हिसाब से, बोल्ड कर दीजिएगा, बोल्ड कर देंगे तो थोड़ा बोल्ड आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लॉगिन फॉर्म में जो जो चीज़ें ऑप्शंस देना चाहते हैं वो ऑप्शंस हम दे दें। सबसे पहले हमने दे दिया लेवल, देखिए इस तरीके से, इस लेवल में क्या लिखना है आप लिख दीजिए अपने हिसाब से। देखिए, हमने लिख दिया यहाँ पर इंटर यूजर आईडी, ये हमने दे दिया इस तरीके से। और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड हम एक टेक्स्ट फील्ड ले लेंगे। देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड यहाँ से लेते हैं, टेक्स्ट फील्ड ये, यहाँ से हमने टेक्स्ट फील्ड ले लिया। इसकी वैल्यू जो दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, उसको हटा देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं। उसके बाद हम फिर से एक दूसरा लेबल लेंगे, इसमें हम लिखेंगे पासवर्ड। देखिए, हमने लिख दिया पासवर्ड, ठीक है। अब इसमें इसके लिए भी हम एक पासवर्ड फील्ड लेंगे, टेक्स्ट फील्ड नहीं लेंगे, अब हम लेंगे पासवर्ड फील्ड। देखिए इस तरीके से पासवर्ड फील्ड हमने ले लिया,
इसकी वैल्यू भी हम हटा देंगे, डिफॉल्ट वैल्यू क्या करेंगे हटा देंगे, और इसके साइज़ को भी हम चेंज कर देंगे। देखिए इस तरीके से मैं चेंज करने जा रहा हूँ, ये देखिए हमने चेंज कर दिया। अब आपको क्या करना है, बटन लेना है, बटन लेना है, एक बटन लीजिएगा आप किसके लिए, लॉगिन के लिए, लिख दीजिए यहाँ पे लॉगिन, ऐसे लिख दीजिएगा क्लिक करके, ठीक है। दूसरा लीजिए आप बटन, एक और ले लीजिए जिसमें आप रीसेट करिएगा, रीसेट के लिए लिख दीजिएगा रीसेट, ऐसे लिख दिया। और एक तीसरा बटन और ले लीजिए जिसमें आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन मतलब न्यू यूजर्स का रजिस्ट्रेशन, और इसकी वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, लिख दिया हमने यहाँ पे इस तरीके से। अब इसमें कुछ डेकोरेशन और कर लेते हैं, जैसे हम इस टेबल का कलर चेंज करना चाहते हैं, इस बटन पे, सॉरी इस बटन का आपको कलर चेंज करना है, इस पर आपको आइकन देना चाहते हैं तो आप आइकन दे दीजिए, वो आपके ऊपर है। थोड़ा सा इसका स्पेसिंग भी आप सही कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए मैं अब आपको कलर करके दिखाता हूँ। तो जस्ट आपको कलर करना है तो आपको देखिए प्रॉपर्टीज़ तो इधर राइट साइड में भी दिखता है, यहाँ पे इस तरह से दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको सामने, आपकी सुविधा के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि डायरेक्ट आप क्या करिए, कुछ नहीं करना आपको, ये आपको बटन पे क्लिक करिए और प्रॉपर्टी पे चले जाइए। तो प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसका बैकग्राउंड कलर आपको दिखाई पड़ेगा, जो बैकग्राउंड कलर आपको अच्छा लगता है वो बैकग्राउंड कलर आप ले लीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए, आपके अनुसार जो भी अच्छा लगता है ये ले लीजिए। मान लीजिए हमने ये ले लिया, ये हो गया हमारा लॉगिन के लिए, ठीक है। अब इसके में फॉन्ट साइज़ अगर आपको चेंज करना है तो ऐसे ही देखिए प्रॉपर्टीज़ की बात है, प्रॉपर्टीज़ आप जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगता है वो आप ले लीजिए, फॉन्ट ले लीजिए इसमें से जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। और इसका साइज़ भी ले लीजिए, बढ़ाना चाहे बढ़ा दीजिए आपके ऊपर है, ठीक है, और उसको ओके कर दीजिए, ठीक। देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा लॉगिन। उसी तरीके से इसका रीसेट का भी चेंज कर दीजिए आप प्रॉपर्टी जा करके, इसका भी आप फॉन्ट टाइप चेंज कर दीजिए, फॉन्ट टाइप जो आपको पसंद हो, ठीक है, इसमें से, और इसका साइज जो आपको अच्छा लगता है वो कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, और इसका कलर भी चेंज कर दीजिए आप अपने जो आपको सूटेबल लगे उसके हिसाब से, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपका इसका कलर, सॉरी ये फोरग्राउंड कलर चेंज हो गया, लेकिन फोरग्राउंड कलर नहीं चेंज करना था, फोरग्राउंड कलर आपको ब्लैक ही रखना था, ठीक है, ओके कर दीजिए। और ये आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना था, बैकग्राउंड कलर आप दे दीजिए यहाँ पे, देखिए हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक। अब आप देखेंगे कि इस तरह से अभी दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, और रजिस्ट्रेशन का भी सेम इसी तरह से कर दीजिए आप, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइज़ हमने बढ़ा दिया, बोल्ड कर दिया, इसका जो है जो भी फॉन्ट टाइप आपको देना चाहते हैं वो दे दीजिए, ठीक, इस तरीके से। और इसका कलर अगर देना चाहते हैं तो आप इसका बैकग्राउंड कलर भी दे दीजिए आप, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट कलर ले रहा हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े डिफरेंट वो, और थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा। अब अगर इसको आप देखना चाहते हैं रन करा करके, तो इससे मैं आप टेस्ट करके इसको देख लीजिए कि कैसा आपका दिखेगा। देखिए इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, कुछ अट्रैक्टिव हुआ, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करने के लिए इसमें एक इमेज जोड़ दूंगा। यहाँ पे जो ये खाली जगह है, आप यहाँ पे एक लेवल ले लीजिए, लेवल, और लेवल की साइज़ को बढ़ा लीजिए इस तरीके से, जैसा आपके जितना बड़ा पिक्चर है, जितना बड़ा लॉगिन फॉर्म है उतना बड़ा इसको कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके मैटर को जो लेवल 3 लिखा हुआ उसको हटा दीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके भी प्रॉपर्टी पर जाएंगे, और यहाँ पर प्रॉपर्टी में आपको दिखाई पड़ेगा आइकन। आइकन देखिए हमारे पास कितने आइकन्स हैं वो देख लीजिए आप, ठीक है। हमारे पास पहले से आइकन होने चाहिए, आइकन अगर पहले से होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है आपको आइकन लेना पड़ेगा, ठीक। ये देखिए हम आइकन ले लिए यहाँ से, जो भी आइकन आपको लेना है ले लीजिए आप। देखिए यहाँ पे लॉगिन इमेज, ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिया हमने। अब लेकिन ये इमेज जो है पहले से हमने ले रखा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो है इसमें नेटबीन में कुछ था, इसको हमने क्या किया है पहले से इसको सेव करके रखा था। कैसे सेव करके रखा था वो भी बता देता हूँ मैं। आप चाहिए गूगल पर यहाँ पे रिफ्रेश का बटन, चाहे लॉगिन का बटन, आप इमेज सर्च कर लीजिएगा, आपको दिखाई पड़ जाएगा ढेर सारा। डाउनलोड करके रख लीजिए और उसकी साइज़ को क्या कर दीजिएगा आप, थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा, 40x40 साइज़ कर देंगे। कैसे साइज़ चेंज करेंगे वो भी बता देता हूँ मैं आपको, साइज़ चेंज करने का तरीका बता देता हूँ आपको कैसे से। जैसे हमारे पास ये इमेज है, मान लीजिए इस इमेज को हम क्या करेंगे, ओपन विथ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, और यहाँ पे जा करके क्या करेंगे, साइज हम 40x40 यहाँ पे लिख देंगे 40, और यहाँ पे भी लिख देंगे हम 40। इसकी साइज आइकन जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने कर रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं है,
तो आपने देखा कि कैसे हमने आइकन की साइज़ को चेंज किया, ठीक है ना। तो आइकन के साइज की चेंज करने की फिलहाल यहाँ ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस इमेज में हमने कोई भी चेंजिंग नहीं किया है। हमने जो चेंज किया है वो चेंज किया है इन पे जो लॉगिन और रीसेट पे जो मैं आइकन दूंगा उसके लिए चेंज किया है। तो देखिए मैं कैसे आपको दिखाता हूँ कि कैसे लॉगिन और रीसेट पर हम आइकन दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको। लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करिएगा, उसके प्रॉपर्टी में जाइएगा और यहाँ पर आइकन में जा करके यहाँ पे आइकन में जाइए। यहाँ पे अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो द बेस्ट है, देखिए दिखाई पड़ रहा है। तो एक काम करिए, यहाँ पे लॉगिन वाला जेपीजी आप फाइल ले लीजिए, देखिए आप इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। और रीसेट पर भी आप आइकन लेना चाहते हैं अगर, तो उसके प्रॉपर्टी में जा करके वहाँ पे आइकन से लेकर के रिफ्रेश, ये मैंने पहले से बना रखा था, रेडी करके रखा था, उसकी साइज़ को छोटा करके रखा था। तो आपको भी ये पहले से करके रखना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पे भी अगर आपको करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। आप जिस तरह से दिख रहा है उस तरह से दिखिए। देखिए मैं इसको रन करा रहा हूँ आपको और दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए आप इस तरह से आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए एक चीज़ आपको और दिखाई पड़ रहा होगा कि जो हमारा ये जो पिक्चर है लॉगिन का, यहाँ पर जो लगाया हूँ, और ये जो हमारा बैकग्राउंड है, ये पैनल वगैरह का ये जो भी है, ये आपको डिफरेंट दिखाई पड़ रहा है। अगर आप इसको सेम करना चाहते हैं तो इस पैनल के कलर को भी क्या कर दीजिए, आप चेंज कर दीजिए। तो कैसे चेंज करेंगे, इसके बैकग्राउंड को आप वाइट दे दीजिए, क्योंकि हमारे पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। अब हम ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने पिक्चर के हिसाब से अपने फॉर्म को सेट कर रहे हैं। आप चाहें तो अपने फॉर्म के हिसाब से पिक्चर को सेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं इस पैनल के भी बैकग्राउंड को चेंज करने जा रहा हूँ, और देखिए यहाँ पे मैं इसके पैनल को भी बैकग्राउंड के को वाइट कर दिया हमने, ठीक है। अब आपको देखेंगे कि इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा आपका बन गया है, और आप इसको रन कराएंगे आप तो देखिए इस तरीके से आपको ये फॉर्म आपका दिखेगा, और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। बिल्कुल इसका बॉर्डर वगैरह बहुत बढ़िया सा सेट हो गया है। यहाँ पे लॉगिन का एक अलग से पैनल बन गया है, यहाँ पे ये पिक्चर ये शो कर रहा है कि हाँ हमको लॉगिन ही करना है। तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव और एक अच्छा लॉगिन फॉर्म तैयार हो गया है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि यही बेस्ट है, आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो हमने टेक्निक्स बताई हैं वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। उसके हेल्प से आप बहुत अच्छा अच्छा आप लॉगिन फॉर्म तैयार कर सकते हैं। आई होप ये जो मैंने बताया है आपको इस वीडियो में, ये आपके लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और स्टार्टिंग पेज एक लॉगिन फॉर्म बनाते हैं हम लोग, वहाँ पे आप इसको इस तरीके से बना करके ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में यहीं तक मैं बताऊँगा। आगे मैं आने वाले वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन और बहुत सारे और भी फॉर्म के बारे में बताऊँगा, और डेटाबेस कनेक्टिविटी भी बताऊँगा। फिलहाल अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।